मैं इंद्रजीत आपका स्वागत करता हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। तो आज हम एडिटिंग करने बैठे थे अपने ब्लॉग, तो लैपटॉप मेरा ख़राब हो गया है, तो आज हम उसे सही करेंगे। देखते हैं, मैंने इसका मतलब काम करा हुआ है, मतलब सीखा हुआ है काम, तो आज इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो फ़ैन की प्रॉब्लम लग रही है, फ़ैन की वजह से लैपटॉप अच्छे से चल नहीं रहा है। और आज हमारे साथ सुमित भी है, ठीक है। तो भाई अभी दिखाता हूँ मैं आपको लैपटॉप, क्या दिक्कत आ रही है इसमें लैपटॉप में। आपको शायद आवाज़ आ रही हो तो देखना, ये भाई यहाँ से आवाज़ आ रही है कोई फ़ैन की, ठीक है। तो अभी काम कर नहीं रहा, तो अभी इसे ना बंद करते हैं डायरेक्ट। अब पहले है ना, ये कर दिया हमने बंद, अब इसे हम खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या पार्ट है वो जो ख़राब हो गया वो दिखाइए, ठीक है। तो अभी बस देखते रहें, फिर इसके बाद हम मार्केट जाएंगे और लेकर आएंगे, असेंबल करेंगे और आपको बताते रहेंगे कैसे कैसे ये खुलेगा, ठीक है। तो आप बने रहें, मैं इतने कैमरा सेट करता हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहले कीबोर्ड खोलते हैं, कीबोर्ड यहाँ से खुल जाती है, पहले ही स्क्रीन को कर देते हैं, फिर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, ठीक है। ये भाई हमारा आ गया ऊपर ढांचा, तो भाई एक बार चेक कर लेते हैं कोई टांका टूटा तो नहीं। देखो पिछली बार ना हमसे क्या गलती हुई थी, पिछली बार हमने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर ना एक वो मतलब ये दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर एक टांका था, तो हमें ना ध्यान नहीं दिया, मतलब एक प्लेट लगी हुई थी, ठीक है। हमारी मेन प्रॉब्लम है ये, तो भाई देखना दिख रहा है, ये मेन प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो इसे हम खोलते हैं, अब फिर इसे मार्केट लेके चलते हैं और बताते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो भाई जल्दी से खोल लेते हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसे खोलने में, जिसको पता है, नहीं भी पता तो भाई मेरी वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो, मैं बहुत ईजली बताया मैंने, बंदे थोड़ा घुमाते फिराते हैं, वीडियो को लंबी बनाते हैं, पर अपना ऐसा है नहीं भाई, अपन एकदम बिल्कुल झकास तरीका बताता है, बिल्कुल सिंपल और सादा, जो एक बार भाई समझ आ गया। भाई सारे नट खुल चुके हैं हमारे, सबसे पहले हम एक ये है इसका स्विच, तो भाई अब ये चीज़ लेने जा रहे हैं हम मार्केट में, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या मतलब कितने का आता है और कितने रुपए का मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा। वैसे हमारे यहाँ पर एक मार्केट है जहाँ पर मैंने काम सीखा था पहले, होगी उसी दुकान पे जाएंगे, ठीक है। अगर वो बंद हुई, वैसे मोस्टली वो बंद हो चुकी होगी क्योंकि वो बहुत पुरानी दुकान थी, वो सागर कंप्यूटर्स के नाम से थी, तो पहले वहाँ चलते हैं और पता करते हैं, देखते हैं। और कुछ कपड़े भी हैं बहन ने दे रखे हैं शादी के लिए, तो वो भी ट्रैकलिंग पे डालते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अभी बस अब चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको अब इसके साथ। तो आ जाओ भाई, अब देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या लेके जा रहा हूँ भाई। ये है, ये एक दो तीन चार चार ड्रेस हैं, ये देख आनी है, पन्नियाँ वापस लानी है। अब ये बाइक पे लेके जल्दी पड़ेगी यार, क्योंकि गाड़ी में पैसे में मतलब पेट्रोल नहीं है, पैसे नहीं, पैसे तो है ही नहीं, वैसे बहुत खर्चा हो रहा है यार ब्लॉग में। तो भाई अभी लेके चलते हैं, अब दिखाते हैं वहाँ पे। कुछ पहले भी ट्रैकलिंग कर रहा था तो यही वाला था ना मम्मी, गंदा मम्मी। तो भाई हाँ, अभी तक की सबसे महंगी ड्रेस है भाई, और तो सबसे ऊपर है भाई ये करीब, ये वाली जो ड्रेस है ना, ये वाली ये सबसे महंगी है, 55,000 की थी, पता नहीं 50,000 की थी, ये गाउन था ही, ठीक है। तो भाई
चलते हैं, बोल क्या हुआ मैं जल्दी देना भाई, उसी तारीख पे देना जिस तारीख पे बोलोगे, क्योंकि ना तारक मिलते हैं दुकान पे पहले देते हुए, फिर उसके बाद मिलेंगे हार्डवेयर की दुकान पे, उसके बाद आएंगे घर असेंबल करेंगे, फिर एडिटिंग पे बैठ जाएंगे। ये हम जाते हुए हम लॉन्ड्री वाले के पास पहुँचते हुए, देखिए तो फ्रेंड हम आ चुके हैं ट्रैकलिंग वाली दुकान पे, ठीक है, शॉप है भैया की, संदीप नाम भैया का, मतलब यहाँ पर ना, मतलब पूरे यहाँ पर 86 में, सेक्टर 86 में फरीदाबाद नहर पार्क पे, इनसे मतलब चीपेस्ट प्राइस पे ना कोई ट्रैकलिंग नहीं कर सकता पूरे NCR, मतलब NCR नहीं बोल सकता मैं, मतलब सेक्टर 86 में। तो ठीक है, तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, भैया से मिलवा देता हूँ, और कोशिश करना कि अगली बार मतलब आप एक बार यहाँ पर आके ट्राई ज़रूर करना कि मतलब अच्छी ट्रैकलिंग करते हैं, ये नहीं है कि भाई ऐसा कुछ है कि आपको काम करेंगे सस्ते में और खुश नहीं करेंगे, मतलब रीजनेबल प्राइस होगा और उसमें आप खुश हो जाओगे, मतलब अगली बार आप बिना बोले यहीं पर आओगे, ठीक है। तो हम आप भैया से मिलाते हैं, भैया हमारे संदीप भैया, हाय फ्रेंड्स। तो भाई थोड़ा सी नॉलेज देंगे किस किस मतलब के किस किस चीज़ पे ट्रैकलिंग होती है, मतलब क्या ऑल ओवर सभी चीज़ों पे ट्रैकलिंग हो जाती है। हाँ, कोई भी चीज़ हो, ब्लैंकेट हो या शूज़ हो, कोट पैंट शर्ट सब चीज़ पे ट्रैकलिंग। तो शूज़ का क्या प्राइस देते हो भैया, क्या चार्ज करते हो? शूज़ का 150 होता है भैया। 150 मतलब मैक्सिमम है? हाँ मैक्सिमम, मतलब उसमें वो क्या वैसा कि स्पोर्ट्स शूज़ हो, कैजुअल हो, क्या जोकर हो, स्पोर्ट्स शूज़ सारे हो जाते हैं। मतलब 150 रुपये ही है? हाँ, 150 से ऊपर नहीं है? नहीं नहीं, उससे ऊपर नहीं है। तो आप देख सकते हो मतलब ये भैया की शॉप है, ठीक है। तो हमें फैन मिल नहीं रहा, हम परेशान हो रहे हैं, भाई को ढूंढ भी रहे, ठीक है। ये भाई है, क्या नाम है भाई का? राहुल नाम है। हाँ भाई, कई दुकानें मतलब बहुत सारी दुकानों पे चले गए हम, अब देख रहे भाई नहीं अभी तक तो मिला नहीं कहीं, फिर तो फाइनली हमें फिर लास्ट में नेहरू प्लेस ही जाना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन है वो हमारे पास। तो भाई फाइनली हमें मिल गया, देखो ठीक है ना, तो हमें हमारी मतलब तलाश पूरी हो चुकी है। ये भैया इनके शॉप पर मिला, क्या नाम भैया? हरमीत सिंह। हरमीत सिंह नाम है भैया का, ये शॉप नेहरू ग्राउंड, नेहरू ग्राउंड के अंदर है, ठीक है। तो भाई अब बस चलते हैं, अब घर जाके इसे फिट करते हैं, अब फिट करने के बाद एडिटिंग करते हैं और फिर आपको वीडियो दिखाते हैं, ठीक है। तो आप सबके लिए बाय, चलते हमारी ना बाइक की टायर की में हवाएँ होती है, हवा 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 जो हवा होती है वो भी कम हवाई होती है ना बाबा, बाबा भी कह रहे हैं कुछ हवाई होती है, हाँ तो हवा को होगी हमारी कम, हमारी नहीं हमारी बाइक की। तो भाई अब बाइक के में, बाइक के टायर में जो हवा वो भरवाते हैं, उसके बाद चलाते तो गाइस हम तो हम ले आए जाके, ठीक है, मार्केट से मिल गया था, ये वो है जो नया वाला है और ये है पुराना वाला, ठीक है। तो आप लगा के देखते हैं, फिट करते हैं इसे, ठीक है, आप भी बने रहें, देखते रहें कैसे कैसे फिट होगा वो देखते हैं। तो भाई फाइनली हमारा फैन चल गया, हमारा अच्छे से काम कर रहा, वर्क कर रहा बढ़िया मस्त एकदम झकास वाला, ठीक है। तो ये हमारा पोर्ट, ये गुलाब का फूल है हमारा। तो भाई हम अपनी ऐप खोल रहे हैं एडिटिंग के लिए, तो फटाक से एड करते हैं, फिर दिखाते हैं अपना नया ब्लॉग पब्लिक को, क्या बोलती पब्लिक, आप दिखाएंगे नया, ये कौन देगा हमें पैसे कटोरी में, मतलब कटोरी रखी थी हमने नट बोल्ट के लिए, इसमें कोई दान करवा चल गया, ठीक है। और हमने बहुत मेहनत करी, बहुत जगह घूमे दुकान पे, हमने क्या कहा मतलब इतनी चीज़ें दुकान पे गए, बहुत दुकान पे पता करा, मिल नहीं रहा था, तो एक दुकान पे मिला भैया का, मैंने भैया को, भैया भी है उसमें, मतलब कौन सी दुकान से हमने क्या खरीदा था वो बता दी, मैंसन का दिखा देंगे यार, लेकिन मतलब छोटी मोटी बात नहीं करते हम, मैंसन निकलते सीधा हम दिखाते हैं अंदर को, भाई हमने इससे लिया था और इतने का लिया, ठीक है। तो भैया का दुकान का नाम डाल देंगे हम, क्योंकि हम बाहर से शूट करना भूल गए थे, तो भैया की दुकान का नाम डाल देंगे। तो बस अब एडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो अब भाई डेली व्लॉग आएंगे, ठीक है। तो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, मिल नहीं रहा था बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, तो अब चलते हैं आज का व्लॉग, भाई आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, हम फिनिश करते हैं, और आई होप आप सब ठीक हो, ठीक है। जो हमारे चैनल पर नए आए, पहली बार आए, लाइक एंड सब्सक्राइब करें,
और बंदों को भी बताएं, और बंदों को भी बताएं कि भाई हमारे चैनल ऐसे ऐसे, मतलब हम एंटरटेनमेंट भी करते हैं, ब्लॉग भी बनाते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं, इसलिए हमने अपने चैनल का नाम रखा मल्टीपल ब्लॉग YT। मल्टीपल इसलिए रखा कि हम सारे काम करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, ब्लॉग भी करेंगे, कॉमेडी मूवी वगैरह सब कुछ बनाएंगे, मतलब कुछ नहीं छोड़ेंगे हम इस दुनिया में, मतलब टेक्नोलॉजी वाली चीजें भी लेकर आएंगे, और वैसे मतलब हर चीज करेंगे, हर चीज। अब एक दिन भाई मैं तो कह रहा हूँ, एक दिन क्या करते हैं ना भाई, फ्रिज है ना, ये सही चल रही है, इसको खराब करते हैं और फिर इसको रिपेयर करके दिखाएंगे, क्या बोलता है भाई? आई होप आप सब ठीक हो, ठीक है, आजकल लोग यही खत्म करते हैं, सबको बाय, गुड नाइट।